पार्टी में जाने के लिए मेकअप करना है तो चलिए सिर्फ एक क्रीम से मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्टी मेकअप लुक। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज श्रुति सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव श्रुति स्टाइल। सो लेट्स बिगिन। यहाँ स्टार्ट करेंगे हम सीरम से। सीरम को अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद अब हमें क्रीम, यानी यहाँ मैंने वीको क्रीम ली है, इसी से हम अपने पूरा मेकअप करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी क्रीम लेके अपने पूरे फेस पे और नेक पे अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद मेकअप को हाईलाइट करने के लिए यहाँ हम कंसीलर का यूज़ करेंगे। कंसीलर को लेके अपने अंडर आई और अपर आई पे लगाएंगे और कुछ अपने हाईलाइटेड एरियाज पे भी लगाएंगे। कंसीलर लगाने के बाद स्पॉन्ज को आप थोड़ा गीला कर लें, उसके बाद ही अपने कंसीलर को सेट करें। तो लीजिए, ये मेरा कंसीलर सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपना फेस पाउडर यूज़ करेंगे। अपने मेकअप को सेट करने के लिए फेस पाउडर बहुत ज़रूरी है। कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद हम अपनी ब्राउज को सेट कर लेंगे। आपको जो भी शेप देनी है उसके अकॉर्डिंग अपनी ब्राउज को सेट कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए सबसे पहले ग्रीन कलर पिक किया है और उसको अपनी फिंगर टिप से अपने आईलिड्स पे लगा लिया है। इसको लगाने के बाद हम स्पॉन्ज ब्रश का यूज़ करेंगे इसको थोड़ा ब्लेंड करने के लिए। इसके बाद लाइट ग्रीन कलर को पिक करेंगे और उस दोनों को हम मर्ज करेंगे। तो लीजिए, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम ब्लैक कलर पिक करेंगे और अपनी आउटर वी पे हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगर आपका आई मेकअप थोड़ा सा बिगड़ता है तो आप कंसीलर की मदद से इसको सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है। अब यहाँ कर्लर की मदद से हम अपने लैशेस को कर्ल कर लेंगे। उसके बाद ही हम अपने लाइनर को लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने जेल लाइनर का यूज़ किया है और ब्रश की मदद से हम अपने लाइनर को लगाएंगे। लाइनर को लगाने के बाद अपने लोअर लैशेस पे भी हम इसको लगाएंगे, जिससे हमारी आईज थोड़ी बड़ी लगें। आई मेकअप के बाद बारी आती है फॉल्सीज की। तो यहाँ मैंने अपनी फॉल्सीज सेट कर ली हैं। लिप्स को स्मूथ रखने के लिए यहाँ मैंने जेल लिपस्टिक का यूज़ किया है। और उसके बाद बारी आती है कॉन्टोरिंग की। यहाँ मैंने ब्रश को ना यूज़ करके फोम को यूज़ किया है, जो हमारा मेकअप स्पॉन्ज होता है उसी से ही यहाँ मैंने अपने कॉन्टोरिंग की हुई है। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे भी अपना मेकअप सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको करके दिखाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना मेकअप सेट कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग के साथ साथ यहाँ मेरी ब्लशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए बारी आती है हाइलाइटिंग की। हाइलाइटिंग को अपनी ब्राउज बोन को हाईलाइट करना ना भूलें, जिससे हमारी ब्राउज बोन बहुत ही अच्छी लगती है और हमारा आई मेकअप भी एकदम निखर के आता है। इसके बाद अपने हाइलाइटेड एरियाज यानी नोज, टिप एंड चीक बोन को हम हाईलाइट करेंगे। तो लीजिए, यहाँ मैंने अपने हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट कर लिया है और यहाँ मैंने कॉफ़ी ब्राउन कलर की लिपस्टिक का यूज़ किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।